एक मध्यम वर्ग है जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी वगैरह कैसे मिलेगी। भारत के छात्र विदेश जा रहे हैं और विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें 24 अरब डॉलर की शिक्षा देकर पैसे कमा रहे हैं। हमें लीडर्स चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें किसान चाहिए, हमें शिल्पकार चाहिए, हमें देश को देखिए, हमें यह समझना चाहिए। हालांकि भारत एक देश है, पर भारत के अंदर कम से कम 4 से 5 देश हैं। सभी की जरूरतें एक जैसी नहीं हैं। देश में एक सबसे अमीर वर्ग है, लोगों का एक वर्ग उच्च मध्यम वर्ग है जिसकी आकांक्षाएं बहुत अलग हैं। एक मध्यम वर्ग है जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी वगैरह कैसे मिलेगी। साथ ही ग्रामीण और दूसरे आयाम भी हैं जहां बात है किसी तरह उस सामाजिक और आर्थिक गड्ढे से बाहर आने की जिसमें वे फंसे हुए हैं। हम इन सभी वर्गों को ऐसे नहीं देख सकते कि वह एक हैं। ऐसा करना गलत होगा। समान शिक्षा के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं। मैं इसके पीछे की सोच समझता हूं, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसी वजह से भारत के छात्र विदेश जा रहे हैं और विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें 24 अरब डॉलर की शिक्षा देकर पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम समाज के हर वर्ग को मदद दे पाए। अगर हम ये मदद नहीं देंगे तो हम अलग अलग तरह के मनुष्य तैयार नहीं कर पाएंगे जो खुशहाल देश के लिए जरूरी हैं। हमें लीडर्स चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें किसान चाहिए, हमें शिल्पकार चाहिए, हमें देश को बनाने के लिए कई तरह के लोगों की जरूरत है। देखिए, 60 और 70 के दशक में ऐसा समय था जब हम इस देश को पढ़ाने के बारे में सोचते थे, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तब हमारी आबादी के सिर्फ 7% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी अनपढ़ थे। तो हमारा लक्ष्य बस यही था, लोग कागज पर अपना नाम लिख पाएंगे, यही हमारा फोकस था। हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा ऐसे बनाई गई थी क्लर्क बनाने के लिए। उन्होंने पाया कि भारतीय दुनिया भर में अच्छे क्लर्क बनते हैं, क्योंकि वे पूरी दुनिया को जीतने की योजना बना रहे थे। ये शिक्षा अंग्रेजी महारानी के अफसरों ने तैयार की। हमने कुछ बदलाव किए हैं, पर हमें और बड़े बदलाव करने होंगे। मैं कह रहा हूं, ये शायद आपको कड़वा लगे, पर मैं कह रहा हूं, भाषा के अलावा अंग्रेजों की शिक्षा का हर पहलू बदलना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा दुनिया का पासपोर्ट है, यह भाषा रखनी चाहिए, बाकी सब कुछ हटाना जरूरी है, क्योंकि वो एक खास मकसद से बनाई गई थी। तब हुक्म मानना बुद्धि से बड़ा था। यह अपने बच्चों की परवरिश का तरीका नहीं है, ये गुलामों की परवरिश का तरीका है। पर अब इसे पलटना शुरू करने का समय आ गया है। हम इसे अचानक नहीं बदल सकते, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। We have to start turning it around, start working towards that आदर्श और the ideal. हमें इसे बदलना शुरू करना होगा उस आदर्श की ओर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। खेल, कला, संगीत, नाटक, जीवन का हर आयाम इस देश का खजाना है ना? तो लाखों लोगों को एक स्तर तक शिक्षित करना एक बात है, ऐसी काबिलियत वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना एक अलग बात है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे पास महान वैज्ञानिक नहीं होंगे, महान मैथमेटिशियंस नहीं होंगे, हमारे देश में कुछ भी सार्थक नहीं होगा। इस संस्कृति को हमेशा ऐसा पोषण मिला है। हम इस देश में कई सबसे महान मैथमेटिशियंस, महान संगीतकार, महान नर्तक केवल इसलिए पैदा कर पाए क्योंकि जो लोग संगीत सीखने के लिए उन घरानों में जाते थे वे केवल संगीत और संगीत ही सीखते थे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में महानता पैदा नहीं कर पाएंगे। सब हर चीज के छोटे टुकड़े जान पाएंगे, पर वे किसी चीज में अच्छे नहीं होंगे।